नमस्कार दोस्तों, आज से 60-70 साल पहले जब लोगों से पूछा जाता था कि इमेजिन करो साल 2020 कैसा दिखेगा, लोग सोचते थे बड़े ही फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले शहर होंगे, हमारे पास होवरबोर्ड्स होंगे, आसमान में गाड़ियां उड़ रही होंगी, फ्लाइंग कार्स एक हकीकत बन चुकी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज के दिन की असलियत कुछ ऐसी है और लोग इमेजिन करते थे कि साल 2020 ऐसा दिखेगा। लेकिन जानते हो क्या दोस्तों, कम से कम फ्लाइंग कार एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। आज साल 2022 में स्लोवाकिया में एक कंपनी ने सक्सेसफुली एक एक्चुअल फ्लाइंग कार को टेस्ट आउट कर लिया है। तो ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत है। आइए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को आज के इस वीडियो में। If you haven't noticed lately, we're living in the future. But there's still one thing that's conspicuously absent. Where are the flying cars? I was promised flying cars. I don't see any flying cars. Why? 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 There would ever be an aircraft where you could just jump in and be able to take off and fly wherever you wanted to. सुनकर ऐसा लगता है दोस्तों कि फ्लाइंग कार एक बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक सी चीज है, लेकिन असलियत में इसको बनाने की कोशिश लोगों ने आज से 100 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। साल 1917 में कहा जाता है पहली कोशिश करी गई थी एक फ्लाइंग कार बनाने की, या फिर एक रोडेबल एयरक्राफ्ट बनाने की, एक ऐसा एरोप्लेन जो रोड पर भी चल सकता हो। इसे नाम दिया गया था ऑटो प्लेन। ग्लेन कर्टिस नाम के एक इंसान ने ये चीज बनाई थी। इसे उस समय में लिमोजीन ऑफ द ईयर भी कहा जाता था। लेकिन क्या ये फ्लाइंग कार असली में उड़ पाई थी? कहा जाता है कि जब इसे उड़ाने की कोशिश करी गई थी, ये ग्राउंड से थोड़ा लिफ्ट ऑफ हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाई थी। तो ये ऑटो प्लेन एक फेलियर रहा था। इसके बाद आते हम साल 1933 में, जब यूएस के एयर कॉमर्स ब्यूरो ने एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया द फ्लाइवर कॉम्पिटिशन नाम से। इन्होंने चैलेंज किया लोगों को कि कोई एक ऐसा एरोप्लेन का डिजाइन बनाकर दिखा दे जिसकी कॉस्ट $700 से कम की पड़ेगी। कई मॉडल्स बनाए गए इस कॉम्पिटिशन में, उनमें से एक मॉडल था द एरोबाइल। वाल्डो वाटरमैन नाम के आदमी ने बनाया था। एक गाड़ी जैसे दिखने वाला एक एरोप्लेन था जो एक्चुअली में उड़ पाया था, लेकिन कभी प्रोडक्शन में नहीं जा पाया क्योंकि उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, तो पैसे नहीं मिल पाए इसे फंड करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन एक पहला प्रॉपर सक्सेसफुल अटेम्प्ट जिसे आप कह सकते हो वो हुआ 1945 में, जब अमेरिकन इन्वेंटर रॉबर्ट एडिसन फुल्टन ने एयर फीबियन नाम का ये एरोप्लेन बनाया। ये दिखने में प्रॉपर एरोप्लेन जैसा सही लगता है, बस फर्क ये है कि इसका आगे का पार्ट डिटैच हो सकता था। करीब 5 मिनट का समय लगता था इस एरोप्लेन को कार में बदलने में, और जो कार थी वो एक्चुअली में एरोप्लेन का फ्रंट पार्ट के हिस्से जैसी दिखती थी। अपने टाइम के लिए ये एयर फीबियन एक बहुत ही इनोवेटिव चीज थी और इसे फ्लाइट सर्टिफिकेशन भी मिल गया था सिविल एविएशन अथॉरिटी से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से ये ना तो एक अच्छा एरोप्लेन था जो एरोप्लेन जैसे लेवल तक बाकी एयरप्लेन से कम्पीट कर पाए, और ना ही ये एक अच्छी गाड़ी थी जो बाकी गाड़ियों से कम्पीट कर पाए। दिखने में ही ये गाड़ी जब बनती तो इतनी अजीब हो जाती। ऊपर से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई और इस कंपनी को इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाए इस फ्लाइंग कार के लिए। लेकिन फिर आई कॉन्व एयर कार। इंडस्ट्रियल डिजाइनर हेनरी ड्रेफुस का ये अटेम्प्ट 1947 का। अब ये चीज दिखने में ऐसा लगता था कि एक गाड़ी है जिसके ऊपर एरोप्लेन चिपका दिया गया हो। एयर फीबियन कम से कम दिखने में पूरा एरोप्लेन लगता था, ये ऐसा लगता है कि एक गाड़ी गलती से चिपक गई हो एरोप्लेन के ऊपर और उसके साथ उड़ गई हो। इसे भी 5 मिनट का समय लगता था कन्वर्ट करने में एरोप्लेन से कार में, और इसका मतलब यह था कन्वर्ट करने का कि जो एरोप्लेन वाला हिस्सा है उसे डिटैच करके साइड में रख दिया जाता था और फिर इसे गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। अपने टाइम के लिए यह आइडिया भी अच्छा था, लेकिन अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में यह कॉन्व एयर कार क्रैश हो गई। पायलट ने मीटर पे रीडिंग देखी कि यहां तो बहुत पेट्रोल बचा है गाड़ी में, मैं उड़ते रहता हूं, लेकिन गाड़ी में बहुत पेट्रोल था, एरोप्लेन वाले हिस्से में बहुत कम पेट्रोल था, जिसकी वजह से क्रैश हो गया अनफॉर्चुनेटली। इस क्रैश के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया इससे और इन्वेस्टर्स भी पीछे हट गए। इन सारे अटेम्प्ट में दिक्कत यह थी कि यहां पर एक गाड़ी है, यहां पर एक एरोप्लेन है, दोनों को ऐसे के ऐसे कंबाइन करने की कोशिश करी जा रही थी। सही मायनों में फ्लाइंग कार वही होगी जो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो पाए एरोप्लेन से गाड़ी में। ये ना हो कि दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया और जब गाड़ी को इस्तेमाल करना हुआ तो एरोप्लेन वाला हिस्सा बाहर निकाल के साइड में रख दिया। तो मोल्टन टेलर पहले आदमी थे जिन्होंने सोचा कि एक्चुअली में मैं एयर फीबियन के डिजाइन पर काम करता हूं, लेकिन जो विंग्स हैं एरोप्लेन के मैं उन्हें फोल्डेबल बना देता हूं ताकि जब गाड़ी की तरह इसे इस्तेमाल करना हो तब विंग्स को एक्चुअली में फोल्ड करके बस गाड़ी के पीछे एक जगह रख दिया जा सके। ये चीज हकीकत बनी साल 1949 में। इसे कहा गया टेलर्स एरो कार। इन्हें सर्टिफिकेशन भी मिल गया, इन्हें मास प्रोडक्शन का अप्रूवल भी मिल गया,
लेकिन दिक्कत ये थी कि कम से कम 500 एडवांस ऑर्डर्स चाहिए थे इस चीज के, जिससे पहले कि इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो पाती, और इतने लोग ही नहीं थे जो इस चीज में इतने इंटरेस्टेड थे, तो 500 ऑर्डर्स भी नहीं मिल पाए, इसलिए उस डील को खत्म कर दिया गया। एक टाइम पर फोर्ड कंपनी भी काफी करीब आ चुकी थी इस टेलर एरो कार को खरीदने के, लेकिन वो डील भी फाइनलाइज नहीं हो पाई। यहां पर पैसे की तो एक कमी थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम शायद यहां पर थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि सही मायनों में एक फ्लाइंग कार बनाई जा सके। लेकिन आज के दिन ना हमारे पास पैसे की कमी है और टेक्नोलॉजी 1950s के कंपैरिजन से बहुत आगे निकल चुकी है, तो आज के दिन जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं फ्लाइंग कार बनाने के, वो कमाल के ही हैं, वो सही मायनों में फ्यूचरिस्टिक है। अक्टूबर 2021 में एक स्वीडिश कंपनी जेटसन एरो नाम से उन्होंने अपना जेटसन 1 जहाज दुनिया के सामने लाकर रखा। जैसा आप देख सकते हो, ये दिखने में गाड़ी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक एक्स्ट्रा लार्ज ड्रोन कहा जा सकता है, क्योंकि उड़ने में ये बिल्कुल एक ड्रोन जैसा है, जिसके अंदर एक आदमी बैठता है और उसे पायलट की तरह उड़ाता है। ये एक सिंगल सीटर व्हीकल है, सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है इसके अंदर, और इस पर इन्होंने काम करना शुरू किया था 2017 से। पहला प्रोटोटाइप जनवरी 2018 में रेडी हो गया था और उसकी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया और अपने सेकंड जनरेशन प्रोटोटाइप को अब दिखाया दुनिया के सामने सिर्फ अक्टूबर 2021 में। इसकी खास बात इसका डिजाइन है, एक हेलीकॉप्टर को तो फिर भी एक हेलीपैड चाहिए होता है उड़ने के लिए, लेकिन ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतना छोटा है कि ये आपकी घर की छत पर भी लैंड कर सकता है और आपके पड़ोस वाले गार्डन से भी टेक ऑफ कर सकता है। वजन कम रखने के लिए पूरा एल्यूमिनियम का बनाया गया इसका फ्रेम है, टोटल में सिर्फ 86 केजीज का इसका वेट है, बहुत ही हल्का है, और जो इंसान इसमें बैठा है वो 95 किलो तक का हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज शायद ये है कि आपको इसको उड़ाने के लिए कोई पायलट्स लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि US के लॉज के अकॉर्डिंग एक पायलट के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती एक होम बिल्ट सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट के लिए। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर है, सिर्फ एक ही इंसान इसमें बैठ सकता है, और ये होम बिल्ट है, क्योंकि अगर आप इसे खरीदोगे तो सिर्फ 50% असेंबल्ड हुआ आपको ये मिलता है। आप जहां भी इसे ऑर्डर कराओगे दुनिया में, ये कंपनी आपको बेचती है इस तरीके से कि आपको इसे खोलने के बाद खुद से असेंबल करना पड़ता है, तो ये होम बिल्ड की कैटेगरी में आ गया। इससे कंपनी का लीगल झंझट भी कम हो जाता है, क्योंकि अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो, क्योंकि ये आपने खुद से बनाया है। जेटसन 1 सही मायनों में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी चीज है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इसे रात में नहीं उड़ा सकते, सिटी ट्रैफिक के ऊपर नहीं उड़ा सकते, ये सारी रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, और आमतौर पर एक कैमरा वाले ड्रोन को ही उड़ाना इतना मुश्किल होता है आज के दिन, तो इसके लिए परमिशन मिलनी तो बहुत ही मुश्किल चीज है। लेकिन इनके जो को-फाउंडर हैं पीटर टेनस्ट्रॉम, उन्होंने कहा है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं देख रहे हैं दुनिया में, ये बस इसे एज अ फन एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, इसे उड़ाने में बड़ा मजा आता है ये कहते हैं। जेटसन जो कंपनी का नाम है, ये वैसे भी आप गेस कर सकते हो कहां से लिया गया है। जेटसन एक काफी पुराना कार्टून आया करता था अगर आपको याद हो, और उसमें वो जो जेटसन्स फैमिली अपना फ्यूचरिस्टिक सा अपना एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती थी ट्रैवल करने के लिए, वो बिल्कुल ही इस तरीके से दिखता था, तो इन्होंने उस डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश करी है, उससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करी है। तो ये जेटसन 1 एक प्रॉपर फ्लाइंग कार इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सड़कों पर नहीं चल सकती ये चीज। लेकिन एक दूसरी कंपनी है स्लोवाकिया में, जिन्होंने पिछले महीने अपनी एयर कार को दुनिया के सामने लाकर रखा, जो सही मायनों में एक फ्लाइंग कार है। एक चीज बड़ी क्लियर है दोस्तों कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें सही मायनों में स्किलफुल इंजीनियर्स और भयंकर इनोवेशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस लेवल की इनोवेटिव चीजें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं इंडिया जैसे देशों में। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इंडिया में ढेर सारे इंजीनियर्स के पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन वो स्किल्स नहीं है जिसकी एक्चुअली में जॉब्स में जरूरत होती है। 90% से भी ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में इसलिए इंप्लॉयबल नहीं। एयर कार की क्या खास बात है, इसने पिछले साल जून में अपनी पहली इंटरसिटी फ्लाइट कंप्लीट करी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीत्रा से ब्राटिस्लावा के एयरपोर्ट तक। ये दोनों शहर स्लोवाकिया देश में है, स्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। पिछले महीने स्लोवाकिया की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने इसे क्लियरेंस भी दे दिया है टेक ऑफ करने के लिए, इसे सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस मिल चुका है, और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के सारे टेस्टिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ओबे करती है ये फ्लाइंग कार। अब दिखने में ये पहली ऐसी फ्लाइंग कार है जो एक्चुअली में एक फ्लाइंग कार की तरह लगती है। BMW की गाड़ी को एज अ बेस इस्तेमाल किया गया है, जिस पर विंग्स अटैच किए गए हैं। आज से 60-70 साल पहले जो अटेम्प्ट किए गए थे, उसमें एरोप्लेन को गाड़ी से जोड़ के चिपकाने की कोशिश करी जा रही थी,
लेकिन ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें गाड़ी से ही विंग्स निकलने लग रहे हैं। इसे हवा में उड़ाने के लिए किसी स्पेशल फ्यूल की जरूरत नहीं है। जो पेट्रोल स्टेशन पे आपको पेट्रोल मिलता है उसी पर ये गाड़ी उड़ भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर 1.6 लीटर BMW का इंजन लगा हुआ है। उड़ान भरते वक्त ये 8000 फीट की हाइट तक पहुंच सकती है ये एयर कार, और 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है इसकी हवा में। 2 मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, और इसे एरोप्लेन से गाड़ी में ट्रांसफॉर्मेशन करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, ये विंग्स फोल्ड किए जा सकते हैं पीछे की तरफ और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं कि वहां से अनस्क्रू करके सेपरेट करना पड़े, ये पूरा एक ही पीस है। आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये धीरे धीरे विंग्स पीछे जा रहे हैं और एक कॉम्पैक्ट गाड़ी बन रही है। तो सड़क पर ये एयर कार चलती हुई कुछ ऐसी दिखेगी, ऑलमोस्ट एक नॉर्मल कार की तरह लग रही है सड़क पर चलती हुई, लेकिन पीछे से थोड़ा कुछ बाहर निकला हुआ है, जो कि ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि कुछ गाड़ियां वैसे ही इतनी बड़ी होती हैं पीछे से। एक चीज जरूर है, इसे उड़ाने के लिए आपको एक पायलट के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे उड़ने के लिए एक प्रॉपर रनवे चाहिए होता है। ये एयर कार 200 से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग्स कंप्लीट कर चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सक्सेसफुल फ्लाइंग कार है। अगर आपको एक खरीदनी है, क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी? कहा जा रहा है $5 लाख से लेकर $1 मिलियन के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं। और सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर ये कमर्शियली अवेलेबल बन जाएगी, यानी आप इसे मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। अब जेटसन वन के फाउंडर ने कहा था कि वो अपने विमान को एक मनोरंजन के तौर पर देखते हैं, कि एज अ फन एक्टिविटी लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर ये कंपनी जिसने एयर कार बनाई है, इसका नाम है क्लाइन विजन, यहां पर इनका विश्वास है कि ये एयर कार हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर देगी फ्यूचर में, क्योंकि इसमें एक साधारण गाड़ी के इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और ये अगर एक गाड़ी के इंजन पर उड़ सकती है ये एयर कार, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एक इलेक्ट्रिक कार का इंजन इस्तेमाल करने में इस एयर कार को उड़ाने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि एक फुली इलेक्ट्रिक एयर कार बन पाएगी यहां पर, जो एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है हेलीकॉप्टर और नॉर्मल एयरप्लेन्स के कंपैरिजन में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शायद यहां पर ये उठता है कि जरूरत क्या है, कोई प्रैक्टिकल यूज हो सकता है इन फ्लाइंग कार्स का? सबसे पहला उपयोग बताया जाता है इन फ्लाइंग कार्स का होगा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जैसे कि एम्बुलेंसेज, फायर इंजन या फिर पुलिस के लिए। एक एडवांटेज ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से कंपैरिजन में इन्हें यूज करना ज्यादा आसान होगा और कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके लिए। रेलवेज के लिए रेलवे लाइंस बिछानी पड़ती है, मेट्रोज के लिए अंडरग्राउंड खोदना पड़ता है, गाड़ियों के लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं, लेकिन फ्लाइंग कार्स के लिए वही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एक और बड़ा एडवांटेज इनका ये है कि ये काफी फ्लेक्सिबल है। जेटसन वन जैसे विमानों की बात करें तो वो कहीं पर भी उतर सकते हैं, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी हमें यहां पर मिल पाएगी। और ऑब्वियसली जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है वो भी काफी कम हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर गाड़ियों को लंबा डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा समय लगता है, जो कि फ्लाइंग कार्स कम समय में कर पाएंगी और कम एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो शायद कहीं ज्यादा और हैं एडवांटेजेस के कंपैरिजन में। पहला तो यही है कि क्या हमें जरूरत भी है फ्लाइंग कार्स की? जरा गाड़ियों से ही कंपेयर करके देख लो, आज के दिन गाड़ियां बड़ी आम बात बन गई है ऑलमोस्ट हर देश में, दुनिया के हर शहर में। हर किसी को गाड़ी सीखने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही गंदे तरीके से ढेर सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कितने लोग मारे जाते हैं दुनिया भर में। तो अगर सड़क पर लोग ढंग से गाड़ी नहीं चलाना सीख सकते तो हवा में कहां से सीख पाएंगे? वो तो 10 गुना और ज्यादा मुश्किल होगा, वहां पर एक्सीडेंट होने की 10 गुना और ज्यादा गुंजाइश होगी। और अगर कोई वहां पर एक्सीडेंट होगा हवा में, वो एक्सीडेंट जानलेवा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है कि यहां पर कितने सारे लोगों को सफिशिएंट पायलट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन्हें उड़ाने के लिए। इस प्रॉब्लम का एक सलूशन हो सकता है ऑटोमेटेड फ्लाइंग कार्स, कि ये फ्लाइंग कार्स खुद से उड़े बिना पायलट की इंटरफेरेंस के, जैसे ऑटोमेटेड गाड़ियां होती हैं। आज के दिन टेस्ला में फीचर्स आ गए हैं कि खुद से गाड़ी ड्राइव कर सकती है, तो ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग फ्लाइंग कार्स बने तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन टेस्ला की बात करें तो इलोन मस्क को लगता है कि फ्लाइंग कार्स एक बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि उनके हिसाब से ये जब चीजें हजारों फ्लाइंग कार्स आसमान में उड़ेंगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होगा, और एक गाड़ी नीचे गिरी, किसी के सर पर गिरी, उस इंसान की तो जान खत्म हो जाएगी। एक्सीडेंट से लोगों के मरने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। और आमतौर पर भी जब आपकी गाड़ी खराब होती है, आप उसे सड़क में साइड पर ले जाते हैं उसे ठीक करने के लिए, लेकिन आसमान में अगर गाड़ी खराब होगी तो कहां पर लेकर जाएंगे उसे आप? ये प्रॉब्लम्स खराब वेदर में और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फ्लाइंग कार को उड़ा रहे हैं और बहुत तेज हवा
हवा चल रही है या फिर थंडर स्टॉर्म्स आने लग रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसेज हो रही हैं। आमतौर पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो एरोप्लेन्स बहुत बड़े होते हैं तो वो इसे बेयर कर पाते हैं, लेकिन छोटे प्राइवेट जेट्स में इन चीज़ों का ज़्यादा खतरा रहता है, टर्बुलेंसेस का और ख़राब वेदर का। और फ्लाइंग कार्स क्योंकि इतनी बड़ी नहीं होंगी तो उनमें भी यही खतरा रहेगा। इसके बाद प्रॉब्लम उठती है सेफ्टी की। एक दो फ्लाइंग कार्स के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वो बात सही है, लेकिन अगर हजारों फ्लाइंग कार्स हवा में उड़ रही होंगी तो किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर एक नया ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे गाड़ियों के लिए होता है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहां से गाड़ी आ रही है, तो ट्रैफिक लाइट्स तो होनी चाहिए। नए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर कि वो सारे ये फ्लाइंग कार्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, कहीं पर कोलिजन्स नहीं देखने को मिले, क्रैशेस ना हो। और ये चीज़ करनी आसान नहीं होगी क्योंकि आज के दिन ड्रोन्स के लिए ही रेगुलेशंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है सरकारों के लिए, कि सरकारें ड्रोन्स को सीधा बैन कर देती हैं। और ये ड्रोन्स तो सिर्फ हवा में उड़कर फोटो वीडियोस खींचते हैं, फ्लाइंग कार्स के लिए करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा एक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अब इमेजिन कर ही सकते हो। फिर प्रॉब्लम उठती है नॉइज पोल्यूशन की। अगर आपने कोई भी छोटा सा ड्रोन उड़ाया तो आपने देखा होगा कि कितना शोर मचता है उससे, या फिर अगर आप किसी हेलीकॉप्टर के पास गए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल, वहां पे हेलीकॉप्टर में इसलिए वो पहनने पड़ते हैं हेडफोन्स। फ्लाइंग कार्स में यही सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी और जेटसन वन और एरो कार में भी यही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, बहुत नॉइज उठता है उनसे, बहुत शोर मचता है उनसे कि उन्हें प्रैक्टिकल नहीं है अर्बन एनवायरमेंट्स में, शहरों में इस्तेमाल करना आज के दिन। इसके लिए एक और नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी कि ये फ्लाइंग कार्स अपना नॉइज लेवल काफी हद तक कम कर पाए। नॉइज के अलावा एक और जगह जहां पर बहुत ज्यादा इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी वो है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। आज के दिन जो ड्रोन हवा में उड़ता है वो सिर्फ 20 मिनट तक हवा में रह पाता है, तो फ्लाइंग कार्स कितनी देर तक हवा में रह पाएंगे? आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तक उड़कर जा सकती हैं और उसके बाद इन्हें चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी या रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें काफी समय लगता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ेगा आने वाले टाइम में अगर इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल होना है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई तो फाइनल प्रॉब्लम यहां पर जो आएगी वो होगी कॉस्ट की। इतनी सारी इनोवेशंस के बाद जो एक फाइनल प्राइस होगा फ्लाइंग कार का, क्या वो इस लेवल तक आ पाएगा कि लोग उसे एक्चुअली में खरीदना चाहें? क्या लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल बन पाए खरीदना उससे? आज के दिन इस एरो कार की कॉस्ट $1 million के पास है। अगर इसकी कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं बन पाई तो बहुत ही मुश्किल है इसके लिए सही मायनों में सक्सेसफुल होना। ये चीज किसी भी नई टेक्नोलॉजी के लिए वैलिड है। अगर कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज इससे कॉस्ट के मामले में कहीं ज्यादा बेहतर है तो वही टेक्नोलॉजीज आगे सक्सेसफुल रहेंगी। अगर गाड़ी को इस्तेमाल करना, ट्रेन्स को इस्तेमाल करना और एरोप्लेन्स को इस्तेमाल करना प्राइस के मामले में ज्यादा सस्ता रहता है फ्लाइंग कार के कंपैरिजन में, तो ये फ्लाइंग कार कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। यहां पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। पसंद आया इस प्लेलिस्ट में और ऐसे वीडियोस देख सकते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।